हस्बैंड जी हाँ। आइए जल्दी आइए, बेबी किक कर रहा है, फिर से मिस कर जाएंगे। तो आज मैं सुबह से कैमरा लेके बैठ गया, जैसे बेबी किक करेगा वैसे ही ब्लॉग शूट कर दूंगा, क्योंकि आज आपको दिखाने वाले हैं बेबी की पहली किक। और इतना खुश हो गए फिर उसको ला रहे एक बार और। Hey guys, good morning, I am सुशील, वेलकम बैक टू माई चैनल प्रिया सुशील वर्मा ब्लॉग्स। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बिल्कुल बढ़िया और मस्त होंगे। तो चलिए फिर एक नए दिन की शुरुआत एक नए ब्लॉग के साथ करते हैं। और आज आप मेरी खुशी देख के समझ ही गए होंगे मैं कुछ गुड न्यूज देखने वाले हूँ, थंबनेल लेके समझ गए होंगे। जी हाँ गाइज, आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ बेबी की पहली किक। और बेबी ने कल पहली बार किक किया था, पहली बार मेरे को महसूस हुआ था। और गाइस उस टाइम तो मेरे को मालूम ही नहीं था कि कैमरा भी ऑन करना है, तो उस टाइम शूट नहीं कर पाया था। और ये मिलाते हैं आपको प्रिया से। और गाइस अभी इधर बैठी हुई हैं। और कल बेबी ने किक किया था, इससे पहले कई बार इन्होंने बताया कि इन्होंने किक किया है, इन्होंने इन सब ने किक किया, बट मेरे को कभी पता ही नहीं चलता था बेबी की, क्योंकि अंदर किक करता था तो इनको केवल फील होता था। और फर्स्ट टाइम कल भाई मेरे को फील हुआ किक किया तो, और ऐसा लगा ना किसी ने ऐसे मारा, प्यार से गाल पे मारा था, कि पैर था या हाथ था मेरे गाल पे लगा था। आज आपको ब्लॉग में दिखाने वाले हैं, तो ब्लॉग में बने रहिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अभी तक नहीं किया है तो, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आज आपको दिखाने वाले हैं बेबी की पहली किक। और इतना खुश हो गए फिर उसको ला रहे एक बार और। मैंने नहीं किया गाइस, पता नहीं परेशान हो गया मैं करा के नहीं किया, तो आज देखते हैं करता है कि नहीं। क्योंकि कल किस लिए किया था, इससे पहले जब बताती थी ना तो शायद वो कभी कभी करता था तो मेरे को फील नहीं होता था। एक्चुअली गाइस पहले ना अंदर से करता था, मेरे को पता चलता था, बट इंस्टेंट जैसे इन्होंने हाथ रखा तो पता चला, अदरवाइज नहीं। बट अब क्या है, वो बॉडी के ऊपर थोड़ी सी मूवमेंट दिखाई देती, तो कल जैसे इन्होंने ऐसे गाल रखा एक पड़ा, अरे कुछ हुआ, मैंने कहा वो बेबी की किक है। क्योंकि गाइस क्या है ना, अब वो बॉडी के ऊपर मूवमेंट दिखाई देने लगी है, बहुत ज्यादा तो नहीं है, थोड़ी बहुत होती है, मतलब टाइम टू टाइम होती है, वह बहुत अच्छी फीलिंग आती है। मतलब किसी किसी टाइम करता है, मतलब हमेशा हाँ। नहीं करता, किसी किसी टाइम करेगा जब उसको कोई बात अच्छी लगती है हाँ। या कुछ उसको खाने को अच्छा मिलता है तब। और कल शायद इसलिए किक किया था, उसको शायद मैंने इनको गाजर का हलवा खिलाया था, तो इसलिए वो बहुत ज्यादा खुश हो गया था। मैंने बोला बेबी क्या कर रहे हो, तो उसने बोला ऐसे बोला पैर से मारा था या हाथ से मारा था, मेरे को फील हुआ था। तो कल गाइस मीठा खाने का बहुत मन हो रहा था, तो गाजर का हलवा लेके जैसे मैंने खाया एकदम मूवमेंट स्टार्ट हो गई, तो बैठे हुए थे हम लोग, बहुत अच्छा मूवमेंट था हमारे लिए, बहुत मजा आई। उसी की खुशी मुझे लग रहा है बेबी ने किक किया था ना हाँ। तो गाइस अभी तो बेबी किक नहीं कर रहा है क्योंकि अभी सुबह का टाइम है, तो अभी चलते हैं खाना पीना खा लेते हैं, और जैसे बेबी किक करेगा वैसे मैं वीडियो शूट करने की कोशिश करूंगा। तो ब्लॉग में बने रहिएगा, तो चलते भी खाना पीना खा लेते हैं हम लोग, क्योंकि गाइस अभी छोटा है ना, तो सोता ज्यादा टाइम तक है और घूमता थोड़ा सा कम। मतलब किसी किसी टाइम किक करता, हमेशा नहीं करता, जब उसको कोई चीज अच्छी लगती है या मतलब प्यार से कोई चीज बोले उसको लगेगा कि हाँ किसी ने कुछ बोला है तब किक पड़ती है। मोस्टली क्या है ना, जब ये शाम को आते हैं ऑफिस से तो जैसे ही बोलते हैं वैसे ही मूवमेंट होता है, तो मैंने एक दो बार बताया था तो इन्होंने कहा ऐसा नहीं हो सकता, मैंने कहा ऐसा है। तो आज मैं सुबह से कैमरा लेके बैठ गया, जैसे बेबी किक करेगा वैसे ही रिकॉर्ड करूंगा, क्योंकि ये कह रहा है इतना अच्छा मूवमेंट है हमारे लाइफ टाइम के लिए, तो मैं उसे कैप्चर जरूर करूंगा। तो बस सुबह से वेट हो रहा है कि भाई किक करो हम तुम्हें कैप्चर करें, तो अभी तो मस्त सो रहे हैं। बाकी हाँ ये बोलूंगी कि बच्चे डिफरेंस बहुत जल्दी पहचानने लग जाते हैं। जब मैं शाम को ऑफिस से आता था मैं बोलता था हेलो कैसे हो सब लोग, तो ये बोलती थी बेबी ने किक किया, मेरे को फील नहीं होता था, लेकिन कल फील हुआ था ये चीज, क्योंकि अब इन्होंने भी फील किया। जैसे आप बोलो या बात करो तो रिस्पॉन्स करते हैं, तो ये चीज है कि बच्चे बहुत जल्दी आवाज में डिफरेंस पहचान जाते हैं, जब ये दिन भर नहीं होते हैं शाम को आते हैं थोड़ी सी बात करने की कोशिश करते हैं तो इंस्टेंट रिस्पॉन्स करते हैं बच्चे, तो बहुत मजा आती है। तो वीडियो में बने रहिएगा गाइस, आज आपको कुछ स्पेशल जरूर देखने को मिलेगा। बेबी का किक का इंतजार करते करते भाई हो गई है शाम, और अभी तक बेबी ने बिल्कुल भी किक नहीं किया, और हम लोग इंतजार कर रहे हैं बेबी किक करे और उस मोमेंट को हम अपने वीडियो में कैप्चर करें, और ताकि हमेशा लाइफ टाइम वो मेमोरी रहे कि बेबी किक कर रहा था, उसका भी वीडियो हम लोग के पास है और आप लोगों के साथ भी शेयर करें। तो अभी चलते हैं छत पे टहलने के लिए और उसके बाद शायद बेबी किक करे, क्योंकि गाइस शाम का नाश्ता हो गया और अब टहलना बहुत ज्यादा जरूरी है। गाइस इनको धक्का मार के ऊपर ले चलना पड़ता है, इनको सपोर्ट बहुत जरूरी है। ये सारे कपड़े गिरा दिए हैं बंदर लोगों ने, बंदर ने तबाही मचा रखी है। और ये बंदर चना खा रहा है, बंदर नहीं बंदरिया खा रही है। और ये देखिए गाइस शाम हो गई है, सूरज ढल रहा है। तो गाइस अभी हम लोग आ गए छत पे, वाह क्या ब्यूटीफुल नजारा है, और इधर सूरज भी ढल रहा है, तो अच्छा लग रहा है ना। क्या खा रही हो तुम? चने।
इसीलिए बेबी किक नहीं कर रहा है। उल्टा सीधा खाओगे तो कहाँ किक करेगा। और कल तुमने खाया था गाजर का हलवा, इसलिए बेबी ने किक किया था। तो मुझे लग रहा है गाइस आज फिर से गाजर का हलवा लाना पड़ेगा, तभी बेबी किक करेगा। तो देखते हैं अगर किक करेगा ठीक है, नहीं तो अभी फिर जाएंगे गाजर का हलवा ले आते हैं और फिर से खिलाते हैं। लेकिन आज किक जरूर करेगा बेबी, बस है ना। बेबी इनका करप्ट हो रहा है, उसको करप्ट बना रहे हैं। नहीं, वो सैतानी अभी शुरू हो गई है, सैतानी अभी शुरू हो गई है। ये अभी पहले गाजर का हलवा खिलाओ तब मैं किक करूंगा, टॉफी लाओगे तब मैं गेट खोलूंगा, नहीं तो ऐसे ही रहेगा, मतलब होमवर्क नहीं करूंगा। शुरू हो गई मैं सैतानी अभी से। अरे गाइस पता है जैसे ही आते हैं ऑफिस से, जैसे ही बोलेंगे वैसे ही रिस्पॉन्स करते हैं। अब तो इन्हें पता चलने लगा, पहले मैं बोलती तो कहते थे नहीं, उसको भी कहाँ पता चलेगा। जब खुद फील करे तो कहते हैं हाँ यार, मैं तो जैसे ऑफिस से आगे बोला वैसे ही रिस्पॉन्स कर दी। मैंने कहा शरारते अभी से देख लीजिए। तो गाइस वेट करते हैं, नहीं तो अभी जाएंगे गाजर का हलवा ले आएंगे मार्केट से और उनको खिलाते हैं, उसके बाद शायद बेबी किक करे। चना खा लो, शायद किक कर जाए। तो चना तो मैं ऐसे ही खा रही हूँ गाइस, जो नहीं खाती थी ना वो सब खा रही हूँ। और मुझे याद रहेगा कि मैंने पालक डाल के दाल खाई थी। मैं उसको बड़ा होएगा ना तो मैं जरूर बताऊंगी कि बेटा तुमने ये किया था मेरे साथ। गाइस ये बहुत चालाक बन रही थी बेबी को, मतलब उसको सोचती है कि बेवकूफ बनाएंगे बन जाएगा। होता क्या है ना, ये दाल बनाती है उसमें पालक डाल लेती है, तो सोचती है कि दाल बनाएंगे उसमें पालक डाल लेंगे खा लेंगे तो पता नहीं चलेगा बेबी को। बट ऐसा नहीं है, जैसे ये खाती है वैसे वोमिटिंग हो जाती है। तो अभी से बेबी को समझ जाए कि क्या खाना है उसको क्या नहीं खाना है। तो ठीक है गाइस वेट करते हैं थोड़ा सा और टहल लेते हैं, उसके बाद अगर किक करेगा तो रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन आज कैमरा बंद नहीं होने वाला है, किक जरूर करना है बेबी को। मेरे सर के ऊपर से एरोप्लेन भी निकल गया और बेबी ने अभी तक किक नहीं किया। तो गाइस फाइनली टहलते टहलते एक घंटे हो गया, बेबी ने अभी तक किक नहीं किया। और ये देखिए सूरज डूब चुका है लगभग, तो चलते हैं इनके लिए ले आते हैं गाजर का हलवा और खाते हैं, और उसके बाद देखते हैं शायद बेबी किक करे। बट शायद मुझे लग रहा है जब तक खिलाएंगे नहीं तब तक वो किक नहीं करने वाला है आज। तो अभी चलते हैं मार्केट और लाते हैं गाजर का हलवा। और गाइस फाइनली हम गाजर का हलवा लेके आ गए हैं प्रिया के लिए कि खा ले तो शायद बेबी किक करे। बट पता नहीं क्या सिस्टम है यार, आज बेबी किक ही नहीं कर रहा। शायद बेबी को पता चल गया है कि हम लोग कोई प्लान कर चुके हैं और अभी गाजर का हलवा आ गया है तो खा लेते हैं, उसके बाद वेट करते हैं शायद किक करे। क्योंकि आज पापा उनके बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और वो किक ही नहीं कर रहे हैं। तो ठीक है गाजर का हलवा खा के देखते हैं। वही वाला जो कल लाया था गाजर का हलवा, वही वाला है ये टेस्टी वाला, शायद आज किक कर जाए। भाई अब कर जाओ यार, अब कर जाओ। गाइज लगता है हलवा खाने के बाद ही ये किक करते हैं। और हस्बैंड किचन में गए हुए खाना बनाने के लिए, तो पहले मैं उनको बुला लेती हूँ वरना वो बेचारे फिर से मिस कर देंगे, सुबह से वेट कर रहे हैं। सुनिए हस्बैंड जी, आइए जल्दी आइए, बेबी किक कर रहा है, फिर से मिस कर जाएंगे। सही में? हाँ जल्दी आइए। सुनाई नहीं दे रहा इसमें, सुनाई थोड़ी ना देगा। ऐसे देखिए हाथ रख के देखिए, फिर वो हिलेगा अभी। कुछ हो रहा है। जैसे कल ऐसे किया था ना तब लात पड़ी थी मेरे को। ऐसे रखेंगे फिर अभी कर रहा है। गाइस किक कर रहा, पता नहीं आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं, बट मेरे को पूरा फील हो रहा है कि कोई मेरे के गाल पे ऐसे ऐसे कर रहा है। हेलो कौन है, कौन है भाई? नहीं बताएंगे। वाकई में यार मेरे तो ये गाजर का हलवा खाने के बाद ही किक करता है ना। अब इनको रोज गाजर का हलवा खिलाएंगे और रोज किक करेगा। अब वो धीरे धीरे किक करने लगेगा, लेकिन हाँ मुझे लगता है ना गाजर का हलवा पसंद है। गाइस पता है जब हाथ रख रहा हूँ ना तो हल्का सा ऐसे फील होता है कि किक कर रहा है, पता नहीं आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं, तो बट मेरे को फील हो रहा है यहाँ पे। और जब कान लगाता है तो गाल पे लगता है, मतलब बेबी को दिखता होगा अंदर से है ना। हाँ। इसीलिए शायद मारता है। तो गाइस फाइनली आज का दिन अच्छा रहा और जो मैं चाह रहा था रिकॉर्ड करने के लिए हो गया। तो ठीक है गाइस फिलहाल आज के ब्लॉग में इतना ही, और वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके बताइएगा। अगर आपने बेबी की किक देखी या नहीं कमेंट करके बताइएगा। और अभी किक कर रहा है कि नहीं, अब देखिएगा ध्यान से देखिएगा, आपको जरूर दिखेगा गाइस, यहाँ पे देखिएगा, आपको पता नहीं दिख रहा है नहीं क्योंकि कपड़े के ऊपर से नहीं दिख रहा, बट हाथ रखने पे फील हो रहा है। इन्होंने तो अपना लाइफ टाइम मेमोरी कैप्चर कर लिया, जिसके लिए सुबह से परेशान थे कि यार मुझे ये कैप्चर करना है कैप्चर करना है। तो ठीक है गाइस, तो आज का ब्लॉग यहीं तक, तो चलते फिर खाना पीना खा लेते हैं। और आज खाना मैं बना रहा हूँ, मैंने सोचा खाना पीना बना लेते जब तक बेबी किक करेगा, तो फाइनली बेबी ने किक कर दिया। मुझे लगा ऐसा ना कि रात में किक करे तो उस टाइम तो वीडियो भी नहीं बन पाएगी।
तो ठीक है गाइस, फिलहाल आज के ब्लॉग में इतना, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्यार बांटते रहिए, बाय बाय।